नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। गुजरात तट पर लैंडफॉल के बाद तेज हवा के साथ भारी बारिश, 22 घायल तो 2 की मौत। चक्रवात बीपर जॉय के गुजरात के तट से टकराने के बाद तटीय जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं सामने आई है और साथ ही भावनगर में 2 लोगों की मौत हो गई है। द पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड यानी कि PGVCL मोरबी के कार्यकारी अभियंता JC गोस्वामी ने बताया कि तेज हवाओं से बिजली के तार और खंभे टूट गए हैं, जिससे मलिया तहसील के 45 गांवों में बिजली गुल हो गई है। 11 गांवों में बिजली बहाल कर दी गई है। तटीय ग्रामीण और रेगिस्तान इलाकों में 300 से ज्यादा बिजली के खंभे टूट गए हैं। PGVCL शेष ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द से जल्द बिजली बहाल करने के लिए काम कर रही है। बंद कमरे में सीएम योगी और ओपी राजभर की हुई मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की अटकलें तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच देर रात वाराणसी के सर्किट हाउस के बंद कमरे में करीब 25 मिनट की मुलाकात हुई। इसकी पुष्टि भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने की है। अरुण ने साफ संकेत दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का गठबंधन भाजपा से हो सकता है। इसकी औपचारिकता पर गुरुवार रात मुख्यमंत्री से चर्चा भी हुई। वही जानकारी के लिए बता दें कि अरुण जल्द ही जल्द लखनऊ जाकर परिवार सहित मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेंगे। पठानकोट में बनेगा NSG सेंटर। पंजाब सरकार मुफ्त देगी 103 एकड़ जमीन। केंद्र को भेजा पत्र। सरहदी एरिया में पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए केंद्र और पंजाब सरकार ने नई रणनीति बनाई है। अब पठानकोट के गांव साकोल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG का केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए पंजाब सरकार 103 एकड़ जमीन केंद्र को फ्री में देगी। इस बारे में पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पत्र भेज दिया है। साथ ही अपील भी की है कि इस दिशा में काम पहल के आधार पर किया जाए। सोनभद्र पहुंचे सीएम योगी। 414 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में अपने दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 414 करोड़ रुपए की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में जीत हासिल करने की सारी बागडोर अपने हाथों में ली हुई है। भाजपा ने चुनाव में 80 की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। सिलेंडर में आग लगने से धमाका। यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में हुआ हादसा। यात्रियों को रोका गया। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में सुबह एक हादसा हो गया। यहां एक होटल में सिलेंडर में आग लगने से धमाका हो गया। हादसे के चलते यहां पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने में जुटी। वहीं शुक्रवार सुबह हुए धमाके के चलते कुछ देर के लिए यात्रा रोक दी गई। आपदा प्रबंधन और SDRF ने आग को बुझाया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को।